नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों आप सबों का आपके इस चैनल गोलू बाबा ऑफिशियल में। तो वीडियो को तने दूसरे लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग जान सके भैया जो कुछ दिन से कुत्ता की तरह भौंक रहे थे, जिन्होंने संतोष रेणु यादव पे FIR किया, जो यादव को गाली दिया, संतोष रेणु यादव ने राजपूत को गाली दिया। अब गाली देने के बाद भैया जब संतोष रेणु यादव पे FIR हुआ तो संतोष रेणु यादव खुद चल के चले गए थाना, जी हाँ बिहार शरीफ, और वहां से भैया उनको ले गया गया औरंगाबाद थाना। वहां भैया बहुत सारे यादवों ने, जिन्होंने यादव को गाली दिया था उस पर FIR किया, और FIR करने के बाद आपको बता दें जब पुलिस उस लड़के को, उस छोटे हाथी को खोजने लगा ना, तो आपको बता दे भैया वो घोड़े से फरार हो गया। अभी उसका मर्दानगी कहां चल गया? आप लोग देखते होंगे भैया जब संतोष रेणु यादव चले गए थे औरंगाबाद तो वो बोल रहा था अभी हमसे 50 किलोमीटर दूर है संतोष रेणु यादव, हम खुलेआम रोड में चुनौती दे रहे हैं, रतियाम 12 बजे घूम रहा था कि संतोष रेणु यादव मिलने। और अभी देखिएगा उसके कहूं को वीडियो नहीं आ रहा भैया, घर से फरार हो गया है वो, जो यादव को गाली दिया जब उस पर FIR हो गया तो घोड़े से हो गया फरार, और बोलता बहुत बड़ा अपने आप को मर्द। जितना भी उसका न्यूज रिपोर्टर था, जिसका भी जितना भी जो अपना दोस्त यार को चमचई करता था, जितना भी उसका देखिएगा यूट्यूबर सबको देखिएगा खेसारी लाल यादव को गलत गलत बोलता है वो लोग, हमेशा बराबर देखिएगा आप, सबका न्यूज चैनल में कुछ आइए नहीं रहा है। संतोष रेणु जब औरंगाबाद आया, औरंगाबाद आने के बाद बहुत सारे लोगों ने संतोष रेणु का समर्थन किया, आपको पता होगा संतोष रेणु लाइव में आकर गाली गलौज भी किए और बोला कि हम औरंगाबाद में हैं। और आपको बता दें उस समय ये निकल गया था लाइव में, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब उस पर FIR हुआ तो घर छोड़ के भाग गया। अभी वीडियो नहीं डाल रहा है भैया कि संतोष रेणु यादव को जेल भिजवा दिए, ये कर दिए वो कर दिए, अब वीडियो नहीं डाल रहा, आपको पता होना चाहिए, जाके उसका चैनल एक बार चेक कीजिए, समझे ना। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ जात को टारगेट करता है, हमेशा से, शुरू से हमेशा से खेसारी लाल यादव को गलत बोला है। जितने भी दर्शक और जितने भी भोजपुरी परिवार इस वीडियो को देख रहे हैं, संतोष रेणु यादव जब खेसारी लाल यादव को गाली गलौज करता था तो यही लोग जो खेसारी लाल यादव के विरोधी हैं, यही लोग संतोष रेणु यादव को समर्थन करते थे। और जब आज यादव के बेटी के ऊपर गाना गाया गया, इसने जब आवाज उठा दिया तो इस पर FIR होकर के भीतर भेज दिया, अब क्या बोले भैया, आपका राय क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जितने भी दर्शक और जितने भोजपुरी परिवार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से एक और बात बता दें, पूरा यादव समाज लोग थाना गए और जाने के बाद सभी लोग एकदम बोल रहे हैं उसको 24 घंटा के भीतर पकड़ा जाए, प्रशासन 24 घंटा का जिस तरह संतोष रेणु यादव का लिया था 24 घंटा के भीतर पकड़ लिया जाएगा, उसी तरह भैया औरंगाबाद पुलिस जो है 24 घंटा के भीतर पकड़ने का शायद वादा किया, ये बात हमने बहुत सारे पब्लिक लोग बोल रहे हैं। अब देखिए भैया आखिर होता है क्या। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, आई लव यू, जय श्री राम।